गर्मियों का मौसम हो और कुछ रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक पीने को मिल जाए तो बात ही अलग है। इसीलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं राजस्थानी राबड़ी की रेसिपी। इसे राब के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और इसी के साथ ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी है। तो रात के वक्त आप इसे बनाकर फ्रीज में रख दें और सुबह नाश्ते की जगह आप एक गिलास राबड़ी का पी लेंगे तो आपको नाश्ता करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को देख लेते हैं। राबड़ी बनाने के लिए हम एक बर्तन में एक कप दही ऐड कर देंगे और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है आधा कप बाजरे का आटा। और जिस कप से मेज़र करके हमने एक कप दही लिया है उसी कप से मेज़र करके हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो इस कप से मेज़र करके हमने 4 कप पानी ऐड कर दिया। अभी हमने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है। पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। और अब हमें गैस की फ्लेम ऑन कर देनी है और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून नमक। और हाई फ्लेम पर हम इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर हम एक बात का ख़ास ध्यान रखेंगे कि एक उबाल आने तक हमें इसे इसी तरह लगातार चलाते रहना है। अगर आपने इसे चलाना छोड़ दिया तो आटा नीचे बैठ जाएगा या फिर आपकी राबड़ी फट भी सकती है। तो बस इसे थोड़ा चलाते रहेंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए और पका लिया और इसी के साथ हमारी राबड़ी बनकर तैयार है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद फ्रीज में रख देना है। तो हमने इसे 3 से 4 घंटों के लिए फ्रीज में रख दिया था या फिर आप इसे पूरी रात के लिए भी फ्रीज में रख सकते हैं। और इसी तरह ये ठंडी ठंडी राबड़ी बहुत ही मज़े की लगती है। तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। और अब इसे और भी मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना जीरा पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे। तो इस ठंडी और रिफ्रेशिंग राबड़ी में जब आप प्याज और दही ऐड करते हैं तो ये इसके टेस्ट को और भी इन्हांस कर देती है। तो आपको हमारी ये राजस्थानी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।